हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखूंगा जो पाइल कैप होता है ना, टी पाइल कैप, उसका जो कॉर्नर पाइल कैप होती है, पाइल का उसका वॉल्यूम कैसे निकलती है पाइल कैप का। ये हो गया हमारा पाइल कैप का प्लान हो गया। ये हो गया जो सर्कुलर देखा है, ये है पाइल, है तीन पाइल है, और ये जो है इसका पाइल कैप है। ये इसका फ्रंट व्यू हो गया, एलिवेशन फ्रंट से आप जैसे दिखेगी ऐसे दिखेगी। आपको मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी अभी दिखा रहा हूँ। वंस अगेन, ये हमारा पाइल कैप है जो अभी मैं आपको पिक्चर में ड्रॉ करके दिखा रहा था। ये हमारा पाइल कैप, ये है हमारा पाइल 1 2 3, थ्री पाइल कैप का ये है हमारा पाइल कैप। इसका हाफ आपका रेक्टेंगुलर रहेगा और हाफ ट्रेपेजियम रहेगा। ये हमारा पाइल कैप, इसका कैसे वॉल्यूम निकलूंगा, कितना कैसे हम वॉल्यूम कॉन्क्रीट का वॉल्यूम कैसे निकलूंगा, ये इसका हम अब देखूंगे। ये जो पाइल कैप हो ना, ये पाइल कैप बना नहीं, ये अब बनेगा। पीसीसी डाला हुआ है, इसके ऊपर पाइल कैप बनेगा। ठीक है, ये है पाइल कैप, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पाइल कैप ऐसे दिखते हैं, ठीक पाइल कैप। और अभी हम देखूंगा कि इसका वॉल्यूम कैसे निकलूंगा, कितना कॉन्क्रीट वॉल्यूम लगेगी इसमें, ये कैसे निकल देखूंगा। ये पाइल कैप जो है प्रैक्टिकल लिखाया था, इसका है ए पोर्शन है वो 1 मीटर, टूटेल है इसका 3 मीटर, ये प्लान है। ठीक है, इस साइड 3 मीटर, ए है 1 मीटर 2 मीटर, और इसका हाइट आपका रहेगी 3 मीटर तक इसका हाइट है। पहले हम निकलूंगा वॉल्यूम निकलूंगा रेक्टेंगुलर पार्ट का। ये मैंने डॉट डॉट दिया हुआ है क्योंकि ये पाइल केव है, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड किया, जिससे मैंने आपको अभी प्रैक्टिकल का जो इमेज है वहाँ पे दिखाया था 3D इमेज में। ए है रेक्टेंगुलर पोर्शन और ए है ट्रेपीजियम पोर्शन। रेक्टेंगुलर पोर्शन को वॉल्यूम कैसे निकलती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है 3 मीटर, लेंथ है आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन का विड्थ कितना है 3 मीटर, ब्रेथ कितना है 1 मीटर, और हाइट कितना है हमारा पाइल कैप का 1 मीटर तक हमारा पाइल कैप का हाइट रहेगी। ये हाइट है हमारा 1 मीटर तक रहेगी हाइट, यहाँ पे देख सकती है। ये है हमारा 3 पाइल, 1 2 3, ये है पाइल। और ये ऊपर जो है रेक्टेंगुलर, ये फ्रंट से हम जब दिखूंगा ना तब हमें रेक्टेंगुलर पोर्शन दिखेगी, इसलिए चले 1 मीटर के इसको। ये आ गया आपका 3 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू है पाइल कैप का है, ये पाइल क्यूब, ये पाइल कैप है, ये पाइल है, 3 पाइल है। और ये इसका जो पाइल है ना, इसका हाइट है हमारा 1 मीटर। ये हो गया आपका हाइट है पाइल का, जब हम फ्रंट से देखोगे ना ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये 1 मीटर है इसका हाइट, विथ है 3 मीटर, ये पोर्शन है 3 मीटर, और ये बैक साइड जो टेपीजियम पोर्शन है 1 मीटर। हम उसका वॉल्यूम निकलने के लिए दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट रेक्टेंगुलर पार्ट, ये रेक्टेंगुलर पार्ट मैंने निकल लिया। अब निकालोगे बी पार्ट टेपीजियम। ट्रेपीजियम का वॉल्यूम निकले एरिया इंटू लेंथ। ट्रेपीजियम का एरिया निकलते हैं हाफ इंटू ए प्लस बी। ए पार्ट ए टेपीजियम हो गया ना, ए पार्ट ए और ए पार्ट बी, ए प्लस बी इंटू हाइट। हमारा जो टेपीजियम पोर्शन कितना हाइट होगा, जितना हमारा पाइल कैप का हाइट है। पाइल कैप को दो पार्ट में डिवाइड किया ना मैंने, एक है दो पार्ट में डिवीजन किया, एक है रेक्टेंगुलर एक है ट्रेपीजियम। जो रेक्टेंगुलर पार्ट जितना हाइट तक जाएगा, ट्रेपीजियम पोर्शन भी इतना हाइट तक ही जाएगा, तो हाइट कितना होगा 1 मीटर, 1/2 ए प्लस। ए पोर्शन 3 मीटर है, जब ए 3 मीटर है तो ए भी तो 3 मीटर ही होगा ना, प्लस 1। बी पार्ट कितना है 1 मीटर, प्लस 1 × 1 2 मीटर स्क्वायर निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट हम वॉल्यूम निकालूंगा एरिया इंटू लेंथ, 2 × 2। ए 2 का एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, जो ये लेंथ है ए है, जो ट्रेपीजियम पोर्शन है ना हमारा, उसका जो विड्थ या लेंथ जो भी आपकी लैंग्वेज में लो, ए है 2 मीटर, ए आपके आपका 2 मीटर 4 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में निकलते। नेक्स्ट आ गया आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ पाइल कैप, ए पार्ट प्लस बी पार्ट। ए पार्ट रेक्टेंगुलर पोर्शन 3 मीटर क्यूब, प्लस बी पार्ट वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब। ट्रेपीजियम पोर्शन कितना आ गया आपका, 3 + 4 7 मीटर क्यूब। ऐसे हम निकल सकता हूँ
जो हमारा पाइल कैप हो, थ्री पाइल कैप, जब टिन में थ्री पाइल कैप का जो हमारा वॉल्यूम निकलने का फॉर्मूला होती है, ऐसे हमारा वॉल्यूम निकलता है एज पर साइड, एज पर प्रैक्टिकल लीजिए, एज पर थियोरिटिकल जो भी लीजिए, ऐसे निकलता है। एट थ्री पाइल कैप का है। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए कि अच्छा नहीं लगा। ठीक है, थैंक यू।